हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत गीत बहन ने गाए और पूरी फैमिली के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने बहुत हिम्मत ताकत दी है कि अपने जलाल के लिए सब लोग इस्तेमाल होते हैं। मेरी गुजारिश है कि प्लीज जिन्होंने भी गुजरना है वो अपने ये जो राइट में बैठे हैं अपने लेफ्ट साइड से गुजरेंगे प्लीज। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज की सारी हाजिर जमात के लिए खुदावन। मैं तेरा तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ खुदावन। जब ऐ खुदावन हम तेरा जन्मदिन ऐ खुदा सेलिब्रेट करने को है तो ऐ खुदावन तू इस वक्त हर एक जान को अपने हाथ में ले और ऐ खुदा जितनी भी हम तेरी प्रस्तुत करें तेरे हजूर बाखूर के मालिक ठहरे हम। ऐ खुदावन अपने रबों से तेरे ऐ खुदा तुझे मुबारकबाद कहने वाले हो सके, ऐ खुदावन तुझे बर्थडे विश करने वाले हो सके, ना कि हम ऐ खुदावन अपने दिलों में कुछ और हो और लबों पे तेरा नाम है खुदावन हम दिल से तुझे मुबारक कहने वाले हो सके। ऐ मेरे जिंदा खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज की सारी ऐ खुदावन इबादत के लिए, ऐ खुदावन आज की सारी प्रस्तुति के लिए। ऐ खुदावन तू सबको नाम बना, ऐ खुदावन इस्तेमाल कर और जिस चीज को ऐ खुदा तूने ये तौफीक दी है कि वो ऐ खुदा प्रस्तुति से लबों से ताल के उसे ऐ खुदावन तेरा शुक्र अदा करे। ऐ खुदावन उन सबको तू इस्तेमाल करना और ऐ खुदा तेरी हजूरी को तेरी मामूरी को इस जगह पे मांग लेती हूँ। ऐ मेरी जिंदा खुदा तू अपना हाथ बढ़ा क्योंकि तेरे पाकलाम में ये लिखा है कि जहाँ दो या तीन मिल के मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरा ईमान है कि ऐ मेरी जिंदा खुदा तू यहाँ पे मौजूद है और ऐ खुदा जितनी भी ऐ खुदा ये कोरोना की वबा है तो उसको खत्म कर ताकि हम लाइव तौर पे तेरी ऐ खुदा प्रस्तुत करने वाले हो सके। ये जो ऐ खुदा इस वक्त बदगुमान हुई है खुदा ये सारा जो तो डिस्टर्बिंग हुआ है खुदा तेरे यीशु के नाम से ये सारा ऐ खुदा जाता रहे। ऐ खुदा हम खुली से आजादी तौर पे ऐ खुदा हम तेरी प्रस्तुत करने वाले हो सके। ऐ खुदा ये ऐ खुदा वबा ऐ खुदा हमें ऐ खुदा रोक ना पाए और ऐ खुदा जो लोग ऐ खुदा हमारे साथ ऐ खुदा इस वबा की ऐ खुदा वजह से शामिल नहीं हो पाए ऐ खुदा मैं तेरा ऐ खुदा तेरी आगे दुआ करती हूँ कि अगले साल हम ऐ खुदा मिल के ऐ खुदा हम सब बहन भाई मिल के ऐ खुदा तेरी ऐ खुदा प्रस्तुत करने वाले हो सके, तेरी हजूरी में खड़ा होने वाले हो सके। ऐ मेरी जिंदा खुदा मैं तेरे आगे दुआ करती हूँ कि तू अपने खादम का मुंह बना। जब ऐ खुदा वो पाक कलाम सुनाए तेरा खुदावंद तू नहीं है खुदावंद ऐ खुदा तू यहाँ पे मौजूद हो वो बंद ऐ खुदा खादम ऐ खुदा अपने लफ्ज़ नहीं बल्कि तेरा तलफ़ुज़ ऐ खुदा वो इस्तेमाल करने वाले हो सके। ऐ खुदा मैं तेरे आगे दुआ करती हूँ कि ऐ खुदा इस माहौल को तू गरमा खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से क्योंकि तेरा पाक रूह जो है वो हमसे बातें करता है, तेरा पाक रूह जो है हमें गाइड करता है कि हमने किस तरह तेरी प्रस्तुत करनी है। तेरा पाक रूह जो है हमें सिखाता है बताता है, तेरा पाक रूह है जो हमें ऐ खुदावंद यतीम नहीं छोड़ता क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि जो यतीम है वो जिसके पास पाक रूह नहीं है। ऐ खुदावंद मैं तेरे आगे दुआ करती हूँ, तेरे आगे ऐ खुदा मिन्नत करती हूँ कि आज क्रिसमस के मौका के ऊपर ऐ खुदावंद तू बहुत से लोगों को ऐ खुदा यतीम ना छोड़, हमारे अंदर ये भूख पैदा कर कि हम ऐ खुदावंद प्रस्तुत करने वाले हो सके। जब तेरे पाकल में लिखा है कि रूह और सच्चाई से तुम मेरी प्रस्तुत करो तो तू अपना पाक रूह हमारे अंदर भर कि हम ऐ खुदावंद रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुत करने वाले हो सके। हम ऐ खुदावंद यतीम बन के नहीं बल्कि ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह के साथ हम प्रस्तुत ऐ खुदा करने वाले हो। तो मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे मीठे और जलाली नाम से मांगते आमीन आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ कि हम जोरदार तालियों से पाक रूह का इस्तकबाल करें। मेरा ईमान है कि खुदावंद का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, वो हर एक को छू रहा है और हर एक को बरकत देना चाहता है और हमने अपने अपने मुताबिक उस बरकत को हासिल करना चाहता है। वजह से सब लोगों ने बरकत पाई होगी। और जब हमारी जंग में हवा पाक खुदा लड़ता है तो हम हर तरह की जंग को जीते हैं, चाहे वो हमारी ज़ाती मुश्किलात हों या हमारी घरेलू परेशानियां हों या दुनियावी परेशानियां हों। जब हम यहोवा पाक खुदा को अपनी जंग लड़ने के लिए आगे करते हैं तो बेशक वो हमें अपनी बरकतों से मालामाल करता है। इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और क्रिसमस के हवाला से एक गीत गाएंगे। और मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और भरपूर तरीके से पूरे जोश के साथ इस क्रिसमस के गीत को गाएंगे ताकि सब लोग बरकत पाएं। हालेलुया। हम सब खुश होंगे। हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है। हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और बुलंद आवाज से खुदावंद की हमदोसना करेंगे। सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए अभी जो है हम इस गीत को गाएंगे और फिर सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे। बहन सोनम के साथ और खुदावंद ने बहुत खूबसूरत आवाज दी है और भी खुदावंद की प्रस्तुति के लिए गाती हैं। हम चाहते हैं कि आप सब तशरीफ रखें, चाहते हैं कि बहन सोनम के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। मसीह यीशु में आप सबकी शांति हो। बड़े दिन का सर्द मौसम क्या घर में जोशियाँ हैं। बड़े दिन का सर्द मौसम क्या घर में बहन ने बहुत ही खूबसूरत गीत गाया है। हम चाहते हैं एक बार जोरदार तालियां और बहन के नाम पे जलाने के लिए। अभी जब हम छोटे होते थे तो अक्सर हम स्कूल में टैबलो किया करते थे और क्रिसमस का प्रोग्राम विदाउट टैबलो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी इंकरेज करने की ज़रूरत है। और आज हमारे दरमियान तीन बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं जिनमें अब्राहम, अरुण और मीशा। अब्राहम और अरुण दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों चाहते हैं कि हम जीसस बाप से इस क्रिसमस पर ज़रूर मिलें। इसीलिए उन्होंने इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर दुआ करनी शुरू की। अरुण और अब्राहम बैठकर खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करने लगे। क्रिसमस में अभी कुछ दिन बाकी थे और उन्होंने दुआ करनी शुरू की कि ऐ जीसस बाप, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। लेकिन रोज बरोज दुआ करने के बावजूद उन्हें इसका कोई आंसर नहीं मिला और उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हम किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह से मिल सकते हैं। लेकिन वो मायूस नहीं हुए और उन्होंने दुआ करना जारी रखी। एक दिन ऐसा हुआ कि खेलते खेलते उन्हें ख्याल आया कि आज तो हमने अभी तक दुआ ही नहीं की, चलो बैठो दुआ करते हैं। और वो दुआ करने लगे। जैसे ही वो दुआ कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जी बच्चों, मैं कल आपसे जरूर मिलने आऊंगा। जैसे ही उन दोनों ने ये आवाज सुनी तो वो बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि हमें अपने घर को कैसे डेकोरेट करना चाहिए ताकि जीसस बाप जरूर हमारे घर पर आए और हम उन्हें देख सके, उनसे मिल सके। फिर क्या था कि उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। कभी ये कर रहे हैं तो कभी वो कर रहे हैं, तो कभी इधर सेटिंग हो रही है तो कभी उधर सेटिंग हो रही है, ताकि हर तरह से हर चीज परफेक्ट हो जब जीसस बाप उनके घर पर आए। क्रिसमस की छुट्टियां थी इसलिए वो दोनों साथ ही रह रहे थे और जब वो सुबह उठे तो पूरी एनर्जी के साथ उठकर फिर से मगन हो गए। लेकिन सबसे पहले उन्होंने दुआ की और शुक्रिया अदा किया कि जीसस बाप, आपका बहुत थैंक यू, आज आप हमारे पास आ रहे हैं और हमें आपका बहुत इंतजार है। फिर क्या हुआ कि दिन गुजरता गया और काफी टाइम गुजर गया। वो काफी परेशान लग रहे थे कि जीसस बाप तो अभी तक नहीं आए कि अचानक से बेल हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो पता चला कौन आया था। जी हाँ, वहां तो कुछ और ही मंजर था। वहां एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी जो कि सर्दी से कांप रही थी। वो अब्राहम से कहने लगी, बेटा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं सर्दी से कांप रही हूँ, क्या तुम तो मुझे कोई कंबल पंबल दे सकते हो? मैं बूढ़ी हूँ और मैं तुम्हारे पास आकर क्या थोड़ा सा अंदर बैठ सकती हूँ? अब्राहम तो हैरान हो गया। उसने बोला, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे घर आज बहुत खास मेहमान आने वाला है। अरुण बोला, जी, और हम आपको अंदर आने की इजाजत भी नहीं दे सकते, प्लीज आप कहीं और जा सकते हो क्योंकि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने बोला, जी सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बूढ़ी अम्मा परेशान होकर चली गई। दोनों बच्चे फिर से इंतजार करने लगे और फिर थोड़ी ही देर में दोबारा बेल हुई। देखते हैं अब कौन आया, जिस पर आ गए हैं क्या, देखते हैं। जब दरवाजा खुला तो पता चला कि वहां तो एक बुजुर्ग शख्स खड़े हैं। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, कमजोरी बहुत हो गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अब्राहम और अरुण दोनों हैरान और परेशान खड़े थे कि हम तो किसी और का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर कोई और ही आ जाता है। उन्होंने थोड़ा दिक होकर बोला, सॉरी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर पे कोई और मेहमान आने वाला है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप प्लीज़ कहीं और जाइए, थैंक यू। अब क्या था, बुजुर्ग आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चला गया। वो दोनों आकर फिर बैठ गए और बड़ी शिद्दत से इंतजार करने लगे कि अब तो काफी देर हो गई है, जरूर जीस बाप अब आ ही जाएंगे। तो दरवाजे की फिर से बेल हुई, दोनों भाग कर गए और जल्दी से दरवाजा खोला तो पता चला वहां तो एक औरत है जो कि बहुत खस्ता हालत में है और खाना मांग रही है। उस औरत ने उनसे कहा, बेटा क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो, मैं बहुत भूख से तड़प रही हूँ बेटा, क्या खाना मिल सकता है? अब्राहम और अरुण ने कहा, खाना तो हमारे पास है लेकिन हमने वो अपने खास मेहमान के लिए रखा है तो हम आपको खाना तो नहीं दे पाएंगे, वेरी सॉरी, आप कहीं और जाकर अगर कोशिश करें तो हो सकता है कि आपको खाना मिल जाए। और वो औरत दरवाजे से चली गई। अब शाम हो गई थी और दोनों बहुत परेशान हो गए थे कि अब तो रात होने वाली है और रात में हम फिर सो जाएंगे, जिस बाप तो आए ही नहीं। लेकिन अच्छे बच्चे थे, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम बैठकर दुआ करते हैं, मुमकिन है जिस बाप फिर हमसे बात करें और बताएं कि वो शायद आज ना आ पाए, कल आ जाएं, तो हम दुआ करते हैं। वो दोनों बैठ गए और दुआ करने लगे, जिस बाप हम चाहते थे कि हम आपसे मिल सकें लेकिन हमने सारा दिन आपका इंतजार किया और आप आए ही नहीं। तो आप फिर से जिस बाप की आवाज आई, जिस बाप बोले, बेटा अब्राहम और अरुण, मैं तो 3 बार तुम्हारे पास आया लेकिन तुम लोगों ने मुझे दरवाजे ही से पलटा दिया। बेटा मैं हमेशा स्पेशल तरीके से आता हूँ, इसलिए मैं 3 बार आया मुख्तलिफ तरीके से, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरा प्यार असल में ये लोग ही हैं जिनका तुम ख्याल रखे, जिनसे तुम मिलकर मुझसे मिलते हो, और अगर तुम इनसे अच्छा सलूक नहीं करते हो तो मुझसे भी अच्छा सलूक नहीं करते। अगर तुम इनसे मोहब्बत नहीं रखते तो समझ लो कि तुम मुझसे भी मोहब्बत नहीं रखते, क्योंकि तुमने उनको धुतकार दिया, इसलिए मुझसे मुलाकात ना हो पाई। जी तो बच्चों, अब्राहम और अरुण बहुत हैरान और परेशान दुआ में सोच रहे थे कि ये हमने क्या किया, हमने तो जिस बाप से मिलने का मौका ही गवा दिया। उन्होंने जिस बाप से सॉरी कहा, सॉरी जिस बाप, हम इस भेद को समझ ही नहीं पाए, हमें पता ही नहीं चला, अब ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे दरमियान रहते हैं और इसी तरह के दुखी लोग, बीमार लोग, परेशान लोग जहाँ भी हों उनका ख्याल रख के हम आपसे मिल सकते हैं और हमारी मुलाकात बहुत खूबसूरत हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये बताया, आमीन। और वो दोनों बहुत खुश हो गए और उन्होंने और भी बच्चों को बुला लिया और वो दोनों मिलकर गाने लगे, जीसस बाप की प्रस्तुति करने लगे। ठीक है बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज। होशाना होशाना होशाना, मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस, ओ या मेरी क्रिसमस, ओ या मेरी क्रिसमस, ओ या मेरी क्रिसमस, ओ या मेरी क्रिसमस, oh yeah, Merry Christmas to you, Merry Christmas, oh yeah, Merry Christmas to you, Merry Christmas to you, to you, Merry Christmas to you. खुशियों के गीत गाओ, घर को सजाते जाओ, सूट जो नया लिया है पहन के सबको दिखाओ, मजेदार खारे खाओ केक भी लेके आओ, रात है सुहानी आई सबको जगाते जाओ, जागना है जागना सोना नहीं आज रात, ये सूरज जब पैदा हुआ फिर से हुआ मिलाप, अब इस मिलाप को और भी बढ़ाना है, अपने मसीहा को दिल में बसाना है, केरल को लेके घर घर जाना है, खुशखबरी को खूब फैलाना है, फोन भी करना है कार्ड लेके आना है, स्टार बना के घर पे लगाना है, सुनो जरा बात मेरी क्रिसमस मनाना है, खुद ही नहीं है भाइयों सबको हंसाना है, दुखी परेशान बहन भाइयों को बुलाना है, सबको बुला के संग संग गाना है क्या मेरी क्रिसमस ओया मेरी क्रिसमस ओया मेरी क्रिसमस ओया मेरी क्रिसमस टू यू मेरी क्रिसमस ओया मेरी क्रिसमस ओ सारे आनो मेरी क्रिसमस बुजुर्ग आनो ते वीरा आनो ते मावा आनो ते तिया आनो ते पुत्रा आनो ते सारे आनो मेरी क्रिसमस टू यू। झगड़े मुका के हाँ जी मोहब्बत बता के हाँ जी बर्थडे दिन दिया खुशियाँ मनाइए रल के वही रल के वही रल के। क्रिसमस ट्री के लिए गिफ्ट चुराए थे, छोटे बड़ों ने सब मिल के लगाए थे, हमें भी मिलेगा तोहफा हम जानते हैं, तोहफा तो बनता है भाई सब मानते हैं, लेकिन यीशु के लिए तोहफा लिया है क्या, वो जैसा कहता है वैसा किया है क्या, एक हाथ दे तो दूजे को खबर ना हो, प्यार से रहो तुम ऐसे किसी पे जबर ना हो, ऐसे दोस्तों को ढूंढो मेरे दोस्तों, भूखे प्यासे बैठे हो जो दो उनको दोस्तों, उसे करूर को डालते हो क्या, दिल से नाराजगी निकालते हो क्या, मेरे प्यारे यीशु का यही तो है तोहफा, जीवन हमारा हो जैसा मसीह का, दोस्तों के दोस्तों तो क्या बड़ी बात है, दुश्मन को दोस्त करो तो बड़ी बात है, दोस्ती बढ़ाए गाए आज ऐसी रात है। मेरी क्रिसमस ओया मेरी क्रिसमस टू यू मेरी क्रिसमस ओया मेरी क्रिसमस टू यू मेरी क्रिसमस बुजुर्ग आनो मेरी क्रिसमस जवान आनो मेरी क्रिसमस ओ बच्चे आनो मेरी क्रिसमस तन सारे आनो मेरी क्रिसमस टू यू। हम छोटी सी दुआ करेंगे। मेरा दिल खुशी से भरा है कि आज हम पास्टर मनोवर साहब को अपने साथ देख रहे हैं और जो हमने हालत देखी है हॉस्पिटल में उसको देख के वाकई हम बहुत परेशान थे और बहुत सबने दुआ की है और खुदा ने उन्हें सेहत बख्शी है और आज वो हमारे दरमियान बैठे हैं तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। हम दुआ करेंगे और फिर मैं थोड़ा सा इस बारे में भी बताऊंगी कि बच्चों ने जो तैयारी की वो कितनी जल्दी की और शुक्रगुजार हूँ पास्टर विलियम के लिए। दोनों मेरे अंकल हैं और ये जो महफिल सजती है ये इनकी बदौलत सजती है और खुदा ने ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे आंटी को, अंकल को, आप सबको कि हम मिल बैठते हैं, चंद घड़ियाँ हम मिलकर गुजारते हैं और खुदा उनकी प्रस्तिश करते हैं, खुदा उनका कलाम सुनते हैं, अपने रूहों को ताज़ा करते हैं। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद ऐ प्यारे खुदा, तू रहीम, तू कादिर, तू कुव्वत वाला है, तू प्यार से भरा है और ऐ खुदावंद अपनी तमाम सिफात को तूने इंसानों में डाल दिया है। हम भी ऐ प्यारे खुदावंद प्यार चाहते हैं और प्यार को बांटना चाहते हैं। हम में भी प्यारे खुदावंद कुव्वत मौजूद है, तौफीक बख्श कि हम इस कुव्वत का ठीक इस्तेमाल कर सकें। प्यारे खुदावंद इस ताकत के बलबोते पर जो कि जवानी की भी हो सकती है, जो कि पैसे की भी हो सकती है, हम इस ताकत के बलबोते पर किसी गरूर में, किसी ऐसे जज्बे में गिरफ्तार ना हो जाए कि अपनी तमाम खूबियों को खो बैठे। ऐ खुदावंद आज का दिन बहुत मुबारक है कि 4 लोग तेरे नाम से यहाँ जमा हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं। प्यारे खुदावंद, तू जो बादशाहों का बादशाह है, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें तौफीक बख्शी है, तूने हमें मुख्तलिफ सलाहियतें अता की हैं कि हम इन सलाहियतों को बुलवेकार लाते हुए तेरा शुक्रिया अदा करें। ए खुदावंद, आज के सारे दिन को और तेरे खादिम को तेरे नजर करते हैं। तू जो कलाम देने वाला है उस कलाम के लिए पहले से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा रहम और फजल हम सब पर होता रहे। तेरी तमाम नेमतों बरकतों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खास तौर पे पास्टर मुनव्वर की सेहत याबी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। जो कुछ मांगना भूल गए हो अदा करना है, इस उसी के वसीले से मांगते हैं, आमीन। नैनसन, बहुत शुक्रिया संगत करने के लिए मेरे साथ। और हमारे बहुत से आर्टिस्टों ने बहुत खिदमत की है पाकिस्तान में, जो कि गैर मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत हमारे लिए गाए हैं। और उन्हीं में से एक गीत जो मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है, मैं आज वो आपकी नज़र करती हूँ। इससे पहले कि मैं गीत शुरू करूँ, मैं बताऊँ कि बच्चों ने आधा घंटा प्रैक्टिस के बाद ये एक्ट किया है। तो आधा घंटा, क्योंकि थे नहीं, अब्राहम सिर्फ था, तो बच्चे कल आए और कल मैंने सिर्फ उन्हें स्टोरी बताई और आज उन्होंने आधा घंटा प्रैक्टिस किया और उसके बाद ये एक्ट किया है। तो आप प्लीज उनके लिए बहुत सारी रहे, खुशियां आई, दुनिया से सदमात गए, सदमात तो भी हैं, सदमे तो हम झेलते हैं। तो याद रखिए कि वो सदमे हम अपनी हरकतों की वजह से झेलते हैं, हम अपने अमलों की वजह से झेलते हैं। यीशु मसीह का रहम हम पर हो चुका है और यीशु मसीह का रहम ये है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए कफारा दे दिया। अब हम जो अमल करते हैं उन पर हम खुद उसके जिम्मेदार हैं और कंट्रोल करना चाहिए, तब हमारी रूह बचेगी। अब हम इबादत के बहुत ही खास हिस्से की तरफ जा रहे हैं और वह कलाम, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बहन भाई बाहर हैं वो उनकी मेहरबानी वो प्लीज़ अंदर आ जाए और कलाम के इस हिस्सा को अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी अहमियत दें, ताकि जब हम कलाम को सुने और अपने घरों में बरकत लेके जाएं। मैं चाहता हूँ कि बुआ जी हमारे साथ कलाम की तैयारी के लिए कोर्स लाएंगे और कोर्स के बाद मैं पास्टर इमरान से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने कदमों में खड़े हो जाएं और आज अपने अपने लिए कलाम मांगे। बेशक हम जब भी खुदावंद से मांगते हैं तो हमें देता है, कि कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो भी तो पाओगे। जब हम उसकी राहों को ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं तो हमारी रहनुमाई करता है। बेशक हालात कुछ भी हों, परेशानियाँ हों, दिन कोई भी हो, हर दिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए मुकर्रर करें, अपने आप को लायक और वाजिब तौर पर उसके लिए तैयार करें। बेशक वो अपनी बरकतों से भी माला माल करता है, अपनी रहमतों से भी माला माल करता है। जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो कलाम की बरकतें लोगों को नजर आती हैं और कलाम के वसीला से ही मौजज़ात रूनुमा होते हैं। जब अपने अपने वास्ते कलाम मंगाएंगे कि खुदा सारे नाल आज गल करे। छू मुझे छू खुदा, मुझे छू, छू मुझे छू खुदा, मुझे छू मेरी जान को, मेरी मेरी रूह को, मेरे बदन हालेलुया, हालेलुया। हम इसी तरह अपनी कब्र पर खड़े हैं और जैसा कि अभी हमने मिलकर ये गाया है कि छू मुझे छू खुदा, आए आज हम सब खुदा से ये मांगे, बुलंद आवाज के साथ खुदा को पुकारे। जैसा कि अभी हमने प्रस्तुत की है, अभी वक्त है कि हम अपने खुदा को पुकारे। क्या खुदा तो मुझे छू ले, ए खुदा तू मेरी रूह को छू। आए आए अपने खुदावंद के सामने अपने सर को झुकाए। आए आज खुदावंद से उसका कलाम मांगे, वो जिंदगी मांगे खुदावंद से, क्योंकि जिंदगी खुदा के कलाम में है। आए उससे आज अपने लिए खुराक मांगे। आज खुदावंद के सामने इस बात को रख दे कि खुदावंद मैं भूखा हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासा प्यासी हूँ। ए खुदावंद मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज तू अपने कलाम से मेरी भूख को मिटा दे। आज तू मेरी इस प्यास को इस कलाम के वसीला से मेरी प्यास बुझा दे। अपने अपने लिए हम कलाम मांगे, अपने अपने लिए हम खुदावंद की रहनुमाई मांगे, क्योंकि हमारा खुदा ही हमारी रहनुमाई कर सकता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि राह और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया, वही हमें राह दिखा सकता है, वही रोशनी है, वही अच्छा चरवाहा है, और वही इस दुनिया में नजात लेकर आया। उस दुनिया में हमारा नजात दहिंदा बनकर आ गया। हालेलुया, उसका शुक्र हो। हालेलुया, ओ बाबा सूरिया रखा बंदा। हर एक जुबान दुआ करे, दुआ करे, हर एक जुबान दुआ करे। अपने लबों को खुदावंद के सामने खोले, खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा कादरे मुतलिक खुदा है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज खुदा हमसे कलाम करना चाहता है, लेकिन हम दावन चाहता है कि हम उसके सामने झुक जाएं। आज इकरार करें, उससे कलाम को मांगे, और जब हम उससे मांगेंगे तो फिर वो अपने बंदा के वसीला से आज हमसे बात करेगा। हालेलुया, कदूस 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 खुदावंद खुदा जी, आप जो लश्करों के खुदा हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जिंदा हैं, और जिंदा होने के साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी इस मौजूदगी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और खुदावंद पाक जी हम आपको वेलकम करते हैं। आज इस खुदा के घर में हम आपको वेलकम करते हैं, और खुदावंद पाक जी आज हम आपसे कसरत का मसा मांग लेते हैं, आज हम आपसे ताजा मसा मांग लेते हैं। और मैं इस वक्त खसूसी तौर पर खुदा के बंदा को आपके हाथों में सौंपता हूं, और मैं खुदा के बंदा को खुदा यीशु मसीह के पाक और कीमती लहू में छुपाता हूँ। और मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि खुदावंद पाक मुझे आज अपने इस बंदा के वसीला से उस जिंदगी बख्श कलाम को हम सबके साथ बांटिए, ताकि आज हर एक जान यहाँ से अपने लिए कलाम लेकर जाए। आज हर एक जान अपने लिए यहाँ से जिंदगी लेकर जाए, रोशनी लेकर जाए, सच्चाई लेकर जाए, और फिर को हम अपने तक सिर्फ अपने तक न रखें, बल्कि उस जिंदगी को हम और लोगों के साथ बाप खुदा मची आज हमसे बात कीजिए। यही हमारी दरखास्त है, आज अपने बंदा के वसीला से हमारे साथ कलाम कीजिए, ताकि आज हर एक जान जो यहाँ पर मौजूद है वो आपके कलाम की बरकत को लेकर जाए। आज कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए, बल्कि आज वो जिंदा कलाम को अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया, खुदावंद जी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका अब्र यहाँ पर छा चुका है, और हमारा ईमान है कि आज आप हमसे कसरत से बातें करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगते और उसी के जलाल मुबारक और जिंदा नाम में सब कुछ ईमान से पा लेते हैं। आमीन। अब मैं सब लोग तशरीफ रखें। अब मैं हमारे बुजुर्ग आदम पाशो वहीम पैगानी को दावत देता हूँ कि खुदावंद ने उनको आज के हवाले से जो भी कलाम अदा किया है हम तक शेयर करें। पास्टर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सुजीजो गीत गाते होंगे अखां बंद कर लवा यसू तेन जान ना दिल तो करता है। भाईओ भाईओ बाहर जाने वाले जरा अंदर आ जाओ। खुदा तेरे ना गल करना चाहता है। खुदा तेन बरकत देना चाहता है। सो दिल तो करता है कि ज्यादा जिन्ना भी वक्त गुजारे जाए क्योंकि बड़ी देर बाद इकट्ठे हो गए। मैनू बेटी का बेटी की नाम तेरा सोनम बेटी ने वो गीत गाया कि सर्दी का तो मौसम है पर ख्याल की है गर्म महीना का करनी चाहिए। ये हालात इदा ही सीधे लगता हो सकता है कि असी ना ही बढ़ देती आबादी करिए काम ठंडा गया जाए। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करना है। पिछले दिनों भाई मैथ्यू का भी फोन आया कि वारिस साहब को खबर पड़ी मैं कि भाई आखिर उन्होंने 20 बंदों का आख्या 20 बंदों तो ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर की करना है। चलो भी फिर रहने देने। लेकिन दूसरे दिन फिर सुबह भाई मैथ्यू आ गया। वो भाई कम मठाना पायो कोई गल नहीं भी आता है लेकिन इबादत जरूर करांगे ते इबादत करनी है। मैं क्या चलो खुदा तेरे बरकत दे और करा ते खुदा का शुक्र करने हैं कि बच्चे इकट्ठे हुए आ मिल के खुशी कर रहे हैं। बड़े दिन दिया खुशियां वंड रहे हैं। खुदा सारे आने वाले बरकत है। ये मेरी दुआ है कि अपने पाला थले रखे। बारिश साहब जी असं बहुत शुक्रगुजार है कि साड़ियाँ खुशियां पारी मुनव्वर साहब के वसीले होर ज्यादा तबाला हुई है। जो असं पिछले दिनों गए थे बहुत परेशान होके आए थे पाक साहब क्योंकि सू मिलन नहीं दिता। फिर असी मोबाइल के जरिए देखा तो दुआ भी करके आ गए सरकार। लेकिन खुदा का शुक्र करने कि ये खुशियां की रौनक और वधी है। खुदा के मंसूर खुदा ने सलामती बख्शी। सुबह मैं कोट जरा ला के आया पर मैं चाहूँगा कि हूँ मैं कोट पा भी लवां क्योंकि मैं अपनी ये शर्ट भी जरा दिखाना चाहता मेहरबानी। हाँ जी एडवरटाइजमेंट सुबह पर गल के शर्ट पैंट कोट बंदा लेता ही है पाता है। लेकिन बच्चों की गल तो देखा है कि किसी वास्ते तोहफा देना तोहफे देने पर कई मौके पादरियां को अगे बथेरा होवा इन्हों की कह दें ना भाई पिछले दिनों च ना मैनू उन्हें गड्डी खिला दी। गड्डी खिला के देना तो ज्यादा चाहता सीगा, लेकिन टूटे हुए 5 रुपए से गड्डी खिला के मैनू 5 रुपए दे के गया। मैं दुआ करूंगा, नहीं नहीं ये दुआ ना करो तुम, ये मैं ध्यान दिते हैं क्योंकि उन्होंने पता कि पूरी अक्सर लैके फिर रख लेंगे तो कोशिश करते हैं। खुदा का शुक्र कि खुदा ने सब इतने मुहैया किया है, कोशिश करेगी कि खात्मा सपोर्ट किया जाए। नहीं नहीं ये उसी खर्चनी है। मैनू बड़ी खुशी जी हुई। फिर जाके वो अपनी वाइफ न गल कर लगा कि अबू ने मैं 5 रुपए दिते, तू इन्ना खुश होया कि जिदा बचपन के असि खुश हो जाते सी ना, अबू इतना खुश हो। सो बच्चों पौलुस रसूल एक बड़ी खूबसूरत गल दसदा, जो उन्हें फिलिप्पी दी कलीसिया नूं खत लिखिया उसका 4 बाब 10 आयत तो पढ़ गए। बाइबल च लिखिया मिलता, मैं चाहूंगा पारी साहब जरा मेरे नाल मिल के पढ़ दे। हाँ जी 4 बाब 10 आयत। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ क्योंकि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसर हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इस ख्याल का इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। सुबह ही ख्यालों का सरसर होना एक किस तरह कहता है कि तेरा ख्याल मेरे लिए सर सबज है। हालांकि इस गल का तेनों पहलों भी ख्याल सी, हालांकि इस गल का तेनों पहलों भी ख्याल सी, पर तू भुलिया रहा। की गल भाई भुलिया रहा। खुश हुआ कि मैं बहुत ही की होया भाई खुश होया। मैं बहुत ही खुश होया कि इतनी मुद्दत तो बाद तेरा ख्याल मेरे लिए सब सबज होया। क्यों है बच्चों वो सारा कबाल देते रहो ना, कोई पता लगता बंदे जानते हैं हकारा जी कह देते, क्योंकि ख्याल तो तेन पहले भी सी पर मौका नहीं मिला। मैं ये मताजी की हालत में नहीं कहता, मैं ये मताजी की हालत में नहीं कहता, क्योंकि मैं सीखिया जिस हालत में भी हुआ उद्दे राजी नमा। हालेलुया। सुन लियो बड़ी चंगी तरह याद कि कल अक्सर गर्मी की वजह से फट जाता है। लेकिन खिदमत गुजारी का काम नहीं बचे। तुरे सिर करती पैदल एक पिंड मेरे को कराया पूरा से 6 रुपए जाना से खिदमत कर क्योंकि लाइट बच जाना शुरू हुई है। उस वक्त लाइट किस जाती है कितनी सोचा बेगो गर्मी बड़ी है, पखा चलता पिया है, कितने तेरे को कराया तय नहीं कर खुदा दे रूप ने आके जा तेरा 14 मील दूर पिंड सिया मैं जो उतरिया जुदी मेरे चपली पाई अक्सर जून जुलाई का महीने का जो पंजाब के रहने वाले लोग ने उनते खैर कराची वाले लोग भी इस गल को जान गए कि गर्मी की चीज है। सड़कों चो भी लोग निकल अक्सर सड़कों चो पंजाब वाल मैं देखा है लुक चमकती निकलों की पिघलों चपली जुती भी तपरिया है 7-8 दफा मैं रस्ते पैर धोते मुंह धोता है क्योंकि इन्हों दिनों च लू भी बड़ी चलती पर जाके खुदा का फिर काम किया जो चले पैदल जाके खुदा का काम किया और मैं खुदा का शुक्र करना है कि आज उन हालात जो खादम निकल के कोटा टोपी जरा टोपी इस तरह कम मैदान चाहिए बच्चे जरा बाप पतन जाना सी 125 मील दूर है उन्हें 20 मील में गया है समुद्री तक अभी हर चीज बंद हो गई क्योंकि नवाज शरीफ की लाल मारसी डेढ़सी ने गड्डियां बंद कर दी हम मजबूर करने नहीं पा सब जिनी देर तक आए ना तेन पता है कि साडा प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता साढ़े को पढ़ना क्योंकि हर माँ ही उन्होंने कन्वेंशन दी है बल्कि मैं खुदा का शुक्र करना है कि हम 15 दिन बाद वो प्रोग्राम कर देंगे। ये शर्ट मेरी बेटी सुमल ने मैंने दी थी खुदा की बरकत है तो मैं बहुत प्यारी लगती हूँ मैं अपने तौर पर बढ़िया लिखा है मैं अक्सर उदो लेना है वो जो भराओ 75% लगी होंगी ना मैं तो उदो लेना मैं महंगी ना ली अच्छी दुकान तो लेना पर मैं देखता रहना वा कि जो और लगूगी उदो ला मैनू बहुत बहुत प्यारी लगती है शर्ट क्योंकि बाइबल च लिखा है वो कहता मैं मताजी की हालत में यह नहीं कहता क्योंकि मैं सीखिया बचत रख आवाज आवे रसूल की कहता है कि मैं सीखिया क्योंकि आज खालद बेटा भी खुदा की बरकत है खालद बेटा भी साहब मैं तेरे वास्ते लैके आया सो वो कहता है कि मैं मताजी की हालत में यह गल नहीं करता क्योंकि मैं सीखिया जिस हालत रवा राजी रवा मैं पस्त होना भी जानना है वधना भी जानना जिन्होंने हालतों के मैं रहा मैं सेर होना तो भुखिया रहना वधना तो घटना कहना मैं सीख लिया है क्योंकि जो मैं ताकत बचता है मैं सब कुछ कर सकता बड़े बड़े ताने मेरे भी भरा चले भराव ने बड़ा मैं प्यार कर दिया छोटा ही सब तो हालांकि खुदा ने ऐसे काम बुलाया साडा हड्डी चमड़े का काम और ढिगे ढट्ठे का जानवर का कारोबार खुदा ने तुम कटे पिछे आ गए वो तेरे कोल कोई चीज नहीं रह गई फलाने को मोटरसाइकिल तू तेरी की हालत हो गई है मैं क्या मैं जिथे हाँ मैं खुश क्योंकि खातम लोगों के बारे उन्हें दसिया कि मैं सीख चुकिया की गल भी मैं सीख चुकिया है कि जिस हालत रहा मैं की है रासी है क्योंकि मैं वधना ते घटना सीख लिया होया है। फिर भी कहना तू बहुत चंगा किया फिलपियो तू बहुत चंगा किया कि तेरी मुसीबत दे विच तू शरीक होया। मेरी मुसीबत दे विच की होया भाई तू शरीक होया। ऐ फिलपियो तू खुद जानना है कि खुशखबरी दे शुरू दे विच जितों मैं मकदनिया तो रवाना आया ते तेरे सवा किसी होर कलीसिया के बंदे ने लैन देन च मेरी मदद नहीं सी की लैन देन च मेरी मदद नहीं सी की। जब मैं थसलिके के वेले च भी सी ते मैनू चीज़ां की जरूरत है ही सी। तू एक दफा नहीं बल्कि दो दफा कुछ भेजा सी। मैं ये नहीं कि इनाम चाहना है बल्कि मैं ऐसा फल चाहना है जिहड़ा तेरे हिसाब से ज्यादा हो जाए। हालेलुया। जिहड़ा तेरे हिसाब से की हो जाए ज्यादा हो जाए। सो बच्चे हो खुदावंद के सामने रखना खुदावंद की नजर करना एक दी बजाय कितने गुना भाई 100 गुना। एक दी बजाय कितने गुना रब देता है ते आसमान के उत्ते हमेशा दी जिंदगी। सो मैं ऐसा फल चाहना है जिहड़ा तेरे हिसाब से ज्यादा हो जाए। मेरे को सब कुछ मेरे को किया भाई सब कुछ बल्कि अफराद दे रहा है पर तेरियां भेजिया हुई चीजा जब मैं इफरदस के हथों लिया नहीं तो मैं असूदा हो गया। हालांकि सारा कुछ पहले भी है पर कहता वो जो मैं लिया है तो मैं होर असूदा हो मैं होर मसूदा हो गया। ओ खुशबू ते मकबूल कुर्बानी ओ खुशबू ते मकबूल कुर्बानी है जिहड़ी खुदा नूं पसंदीदा है। हालेलुया। जिहड़ी खुदा नूं की है पसंदीदा खुदा इन्हां गल्लां नूं पसंद करता है। कोट ते सानूं इत्थे होर भी बथेरे मिल जाते। असं पिछले दिनों के भाई जमशेद भाई यूनस भाई गैसपर भाई मैथ्यू को गए सब की बड़ी सी ने बड़ा एक बेहतरीन कोट लिया बड़ा जबरदस्त। तो जिस ले खातम ने पवाया पारी खाले ना सब आए हुए सी मुड़के ला ला के दबे ने आके नहीं पर साहब ये लैके जा इतने बहुत सोना लगता। हालांकि भाई वो अरबा करोड़पति बनता है पर उच्चे से पौधा होएगा जरूर भाई मैथ्यू याद करता है। बड़ी आसी ना देन दे हमें बड़े लफ्ज याद है ये फकीर दी झोली की कहते ये फकीर दी झोली नू कबूल करना एडा प्यारा कोट रंग कोट ते हसन दिया पिछे हुण जमशेद जैसे ले ये भी हलीमी ना उन्होंने दवे भाई मैथ्यू ये फकीर की झुली कबूल कर लेना। ये फकीर की झुली सो खुदा दी जलाल दी कटण मैं जिदों कोई असी अपना आप दे क्यों मैं बच्चों उस निजात दिंदा बेटी ने बहुत खूबसूरत गीत गाया है दीवारा दे उत्ते दीप जलाओ दीवारा दे उत्ते वो दीप वो कौन ने जिहड़े दीवारा दे उत्ते जलाए यसाया नबी दा सहीफा यसाया नबी दा सहीफा बार-बार 6 लिखा है ऐ यरूशलम मैं तेरियां दीवारां दे उत्ते निगहबानां नूं मुकर्रर कीता है ऐ यरूशलम मैं तेरियां दीवारां दे उत्ते निगहबानां नूं मुकर्रर कीता है जिहड़े दिन ते रात कदी खामोश नहीं रहंदे खुदा का जिक्र करना कदी खामोश ना हो सो खुदा की जलाली कपड़ा लड़ा देना अपना खुदा की नजर की करना भाई अपना आप करना अपने बच्चों खुदा की नजर करना घाटे च नहीं जाता मैं कभी तुर तुर के जाता सी अज मैं अक्सर कहना ना मेरे को इनिया तो गड्डियां है इन्ने रब ने ड्राइवर दिते हुए कि मैं किसी बच्चे को कहना बेटा गड्डी लैके आना मेरे लिए यूनुस के अक्सर ही यूनुस को खुदा बरकत दे ये तो बई अक्सर ही चू चू दे तो बई बहुत ही बरकत जो भी आख्या ना भाई चूचू में मैं लैके जाने ठीक है जी पर साहब आए गया तेन लैके जाओ सो बच्चो खुदा घाटे च नहीं छड्डदा खुदा घाटे च नहीं छड्डदा उत्थे कोई पंजाब च गड्डी लेंदा सी ते उहनूं ड्राइवर भी रखना पैंदा सी कोई ते ड्राइवर भी फ्री मिलदे पए खा गड्डियां मैं कहना मेरे तो बच्चे गड्डियां ही बड़ी किसी बच्चे नहीं कहता है सो अपना आप खुदा को देना आओ अपना आप खुदा को देना खुदा की जलाल ले अपने बदला नजर करिए क्योंकि वो निजात दिंदा आया आया फिर वो चला गया क्यों भाई वो आया तो फिर वो इतों चला गया पर एक कम करके गया मैं चाहांगा वसीम दे नाल पढ़िए वो एक कम करके गया जिसले असी खुदा के कलाम दे विचों वसीमा जाते इफसियों 4 बाब उदी 8 ऐत तो पढ़ांगे इफसियों 4 बाब उदी 8 ऐत तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए साढ़े दरमियान रहा ते फिर जान लगा भी बंदियां नूं की दे के गया भाई अनाम की दे के गया बंदियां नूं भाईओ अनाम दे के गया ते उनको अनाम की दिते मैं देखना है कि वो नाम की देते हाँ जी पढ़ो हाँ समझ गई। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। और उसने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। हालेलुया। सुबह को आया आके काम करके जान जो गया है ते फिर कलिसिया लोगों ने इनाम दिता है। ते इनाम मैं बड़े बड़े देखे प्रोग्राम जिसले लॉन्च किया जाता ना कि फला इनाम लैने आएगा ते वो आप चल के होता है की करता नहीं हो आप चल के उनका अपना इनाम ले। आज केड़ा केड़ा है जेड़ा चाहता है कि मेरा बच्चा रसूल बने, मेरा बच्चा नबी बने, मेरा बच्चा उस्ताद बने। वो आवाज दिता पे आए जो चला के आए उन्हें कलिसिया की दिता भाई अनाम। अस दुनिया के माल वास्ते बड़ी दौड़ लगने हालांकि वो अनाम दे के गया। मती दी झील जिसले असी पहला बार 21 पढ़ते हैं एक उठी लिखा मिलता है उसके पुत्र बनाए ते तू ओदा नाम यीशु रखी ते वो अपने लोगों को उन्हां दे गुनाहां तों की देवेगा नजात। वो नजात दे भी आया और जान लगा फिर वो लोगों को इख्तियार दे गया, अनाम दे गया, क्योंकि रसूलों के ईमान जिसले असी तेरा बाप उसकी 47 ऐत में पढ़ते हैं रसूलों के ईमान उसका तेरा बाप 47 ऐत में पढ़िए। हाँ जी पढ़ो। क्योंकि खुदावंद ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझ को गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक निजात का बायस हो। आमीन। और नूरों की दुनिया किया बन गया भाई नूर। आवाज नहीं आ रही भाई नूर वो नूर हो के दुनिया चाया जान लगा नहीं रहा हो गया भाई उन्हें फिर अनाम दिते ताकि कलीसिया जिहड़ा मसीह दा बदन है ये तरक्की पावे। ते रसूल कहता है रसूल की कह गया भाई। हाँ जी ये हुई है क्योंकि खुदावंद ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया। खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझे भाई यूनस तेनू भाई जमशेद तेनू भाई मैथियो तेनू उसने की दिता है हुक्म दिता है। क्या नाम है नाम ले लिया बस उसे इतने ही दे दे। हाँ इतने बैठे तू दे सकना अस नहीं आना ही इदा मंगनी असि नाम। दूसरा नाम लैने अस सीढ़ियां चढ़ के स्टेज से जाने तो जाके लेने पर इस नाम वास्ते वो ही रुतबा हालेलुया। दुनिया के इंतहा तक नजात का काम होगा। वो दीवार के उत्ते तू चलता नजर आए, दीवार के दीप जलाना। अज की रात कल का तो पता ही नहीं। फिर यसायाह नबी की पेशन गोई है भाई, यसायाह नबी की पेशन गोई है भरावो। 46 बार यसायाह नबी का सहीफा है, 46 बार उसकी 11 आयत, यसायाह 46 बात उसकी 11 है। जो मशरिक से उकाब को, यानी उस शख्स को जो मशरिक से उकाब, केड़ा उकाब भाई? चिड़िया ही बने रहना, उदा बनने अकाबा की वांगर तेनू जोर दे के मोदी पासा बनना नहीं। अकाब रहनी चिड़ी है, अकाबा दी वांगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू करदा निया हालेलुया। ते शुक्र करिए कितों आया भाई, वो सारे तो मशरक तो आए थे। क्यों भाई कितों आए हो? हम मशरक तो आए हैं। ते शुक्र करिए साडे उत्ते यसायाह नबी दी गल पूरी हुंदी है कि मशरक तो लोकां नूं बुलांदा है। हाँ जी, जो मेरे इरादा को पूरा करेगा, जो मेरे इरादा की करेगा पूरा। हालेलुया। एक किन्ने लोग आज भी उहदे इरादे नूं पूरा करना चाहते हैं? कोई भी नहीं हो, को हाथ ही नहीं के खड़ा हो गया। वो जेड़ा मशरक तो बुलांदा है, जेड़ा मशरक तो बुलांदा है, ते खुदा की कहना है मेरे इरादे की कर तू पूरा कर। हाँ जी, मैंने कहा और मैं इसको हुकूम में लाऊंगा। वो कहता है कि मैं कैद तो आई ते मैं तेनू बरकत भी देऊंगा। इसे करके परमेश्वर सुन कहता है, उसने सानू हुक्म देता है कि तुसी नूर हो, जो आप नूर। ते रसूल कहता उसने सानू भी हुक्म देता है कि असी भी किया नूर हो। वसीले नजात का काम हुंदा सी, ते रसूल ने आख्या साडे वसीले नजात का काम दुनिया की इंतहा तक होवे। सिर्फ जरा उठ के अगे आने की जरूरत है कि मेरा नाम लेते, मेरा नाम लेते, मेरे बच्चों मेरा नाम दे, मैं लेना चुनना अपना नाम, मैं तेरे हक में जलाली ताज बनना चाहना है। क्योंकि यसायाह नबी दा सहीफा जिसले असी बार बार पहली आयत तो पढ़ने सॉरी भी इस आयत ते चलांगे, लेकिन मैं चाहना है यसायाह नबी दा सहीफा बार बार उदियां पहलियां 3 आयतां जरा पढ़िए। सिय्योन की खातिर मैं चुप ना रहूंगा, सिय्योन दी खातिर, खुदा दे लोकां दी खातिर। सानू कामां च वेल ही नहीं लगता पिया, वो कहना तेरा काम ही हो गया। सिय्योन दी खातर मैं चुप नहीं रहांगा। हाँ जी, और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूंगा। वो मेरी वो तेरी जीभ नहीं पैंदी पई मुंह च रखना तू, वो कहना नहीं पैंदी। मैं नहीं है तू मैं लख नहीं कहने जीभ कार अंदर तू रौली पाई गई, वो कहना मैं दम ही नहीं लगा। सिय्योन की खातर मैं चुप नहीं रहा, शर्म की खातर मैं दाम नहीं रहा। जब तक कि उसकी सदाकत नूर की मानत ना चमके, जदों तक उसकी सदाकत नूर की मानत ना चमके और उसकी निजात रोशन चिराग की तरह जलवागर ना हो। उसकी निजात जो काम रब ने तेरे सपोर्ट किया है, तेरे मशरक तो लेके आया उसकी नजात जलवा करना होगी। इतनी देर तक मैं चुप ही नहीं करूँ। अच्छा, तब कौमों पर तेरी सदाकत और बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर होगी। फिर कौमा दे उते वो कहता है कि मैं तेरे घाटे च नहीं छड्डण लगा। बच्चे में तेन दसना है, यकीन जान एक दिन इदा ही वो खाना बना ही मैनू गल चेते आ गई। एडा गंदा मंदा गोश्त जड़ा खाना खिलारना, क्योंकि वो मुर्गी खुराक च काम आंदा सी। मैं कह खुदा मैं तेरा शुक्र करना है कि आज ये हाथ तेरी जलाली इस्तेमाल हो रहे। तू मेनू नूर बनाया, तू मेरे वसीले नजात का काम दुनिया के इंतहा तक प्रवासी काम नहीं छड़ना चाहते। जिथे तो बैठे ना नहीं मोबाइल वाली दुकान तो नहीं छड़नी, काम ही नहीं छड़ना। लोग कहता मैं तेन अगे तो अगे लैके जाऊंगा, इतों तक तेरा रुतबा होगा, पर तेन जीभ कटनी पेगी, तेन बोलना पेगा, दम नहीं लेना पेगा। यह भी काम है, क्योंकि पहला करंथियों 3 बाब की 9 आयत में रसूल कहता है असी खुदा के नाल मिल के काम करना चाहिए। भाई मैथ्यू कहना भाई इस काम में मैं तो नहीं होना चाहता, लेकिन मैं दुआ करना है कि मेरा पुत्र, मैनू गल बड़ी चंगी तरह याद है, मेरा पुत्र मैं चाहना है कि खादमी बन जाए। ये भाई मैथ्यू ने क्या सी भाई खादम यार कहना मैं तो होर हिसाब का बंदा सी, पर मैं देख के ना उठा हूं। मैं चाहना है कि मेरा पुत्र भी खादम बन जाए, मेरा पुत्र भी नूर बन जाए और मेरे पुत्र के हथों भी नजात का काम होगी। मैं अपने पुत्र को मैं कपड़े नहीं देता, मैं अपने पुत्र को तेरे लिए देना, मैं अपना आप तेरे देना है। बाइबल में बच्चे जिक्र मिलता है कि हन्ना ने एक दिता से किन्ने दिते सी भाई एक ने खुदा कर्जा ही कर लिया। खुदा ने आख्या वेख वो मैनू कर्जा ही कर गई बीबी, वो जेड़ा दिता सीगा वो फिर मैनू लटा गई। इन दुआ दे एक ने दुआ दी, उन्हें आख्या बीबी खुदा के इस कर्ज दे बस, क्योंकि तू खुदा कर्जा ही करके नहीं तेन हो आलात दे। एक दे के गई तो किन्ने लैके गई पता नहीं, 5 बार साहब ने दसिया 5 लैके गई। किन्ने लैके गई भाई? सैमुअल को दे के गई। खुदा ने 5 पुत्र अगर खुदा बुला पिया कि मेरे को अनाम ले लो, मेरे को अनाम ले लो, मेरा बेटा निजात होके दुनिया ते आया, मेरा बेटा जाते हुए तेन अनाम दे के आ। वो कहना मैं दुनिया का नूर, उन्हें आख्या तुसी दुनिया के नूर। और रसूल ने आख्या कि उसने सानू हुक्म दिता है कि मैं तेरे दुनिया में नूर मुकर्रर किया, मैं तेरे वसीले बचा दा कम दुनिया च कराऊंगा। और यसाया नबी फिर दसदा है मैसूम की खातर चुप नहीं रहांगा, मैं यरूशलेम की खातर दम नहीं लवांगा जब तक वो सदाकत नूर की मानद ना चमके। फिर कौमां दे उत्ते बादशाह दे उत्ते तेरी शौकत, तू एक नवे ना तू एक नवे ना तो कहलावेगी जेड़ा खुदा दे मुंह चो निकलेगा। किहदे मुंह चो निकलेगा भाई? खुदा दे मुंह चो निकलेगा। ते वो की नाम होएगा? पढ़ते हो दिन है और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज, और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज। हालेलुया। तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शहाना अफसर होगी। आमीन। अपने खुदा के हाथ दे विच, अपने खुदा के हाथ दे विच शहाना की भाई शहाना अफसर होगी। ते फिर यसाया यसाया है जिन्हें सतबाब यसाया सतबाब जिसले असी पढ़ते हैं दी 14 आयत में लिखा है मैं तेन एक निशान देंगा। मैं तेन की देंगा? एक निशान। देखो तेरे लिए एक कंवारी हामला होगी। निशान यसाया तेनू निशान दिता है, दसदा है कि मैं तेनू मशरक तो नहीं बुलाया, तू सानू यादा नहीं निकलना। क्या मैं हजारा साल साढ़े वास्ते पेशन पूरी कर चली वो जी मेरे ते पूरी उतरती पी जरा कहता है खुदा दादा मैं तेरे सिरे निशान। यह निशान आज फिर देख लो भाई, चाहे खुदा यकीन कर लो या ना करो, वो याद करांदा है कि मैं तेनू मशरक तो अकाबां दी तरह बुलाया। हाँ जी पढ़ो जी। यसाया 7 नहीं, यसाया 43 हाँ चल उसकी 11 है। जो मशरिक से उका को यानी उस शख्स को जो मेरे इरादा को पूरा करेगा दूर मुल्क से बुलाता हूं। जो मशरक से पेशन कोई नहीं दूर की पेशन कोई है खुदा ने मकसद वास्ते इतने बुलाया है। आस्तर जिसले महाराज पहुंची सी ना नहीं पता सी कि मैं कादे लिए खुदा खादमा के वसीले खुदा अपने लोगों के वसीले एक याद दहानी करांदा। ओते खुदा ने मर्द किन भेजे ने आख्या कि तू इथे ते आ गई है, तेन पता है कि खुदा ने तेन कद लिए इथे भेजा है। इस करके भेजा है कि हुण नजात यहूदियां नूं तेरे वसीले मिलनी। अगर तू खामोशी इख्तियार करेगी ते नजात किसी तरफों नहीं होगी। सो परियो अज जानिए कि खुदा ने इत्थे भेजण दा कोई मकसद है साडा। कि मैं मशरक तो अकाब की इमारत लोगों को लिया आप मेरे अरादा की करनगे पूरिया करनगे। हालेलुया। ओ अकाब मेरे अरादे पूरा करनगे। जी मैं ही ने कहा और मैं ही इसको वकूफ़ में लाऊंगा। मैं ही ने कहा और मैं ही इसे वकूफ़ में लाऊंगा। मैंने इसका इरादा किया और मैं ही इसे पूरा करूंगा। ये मैं इरादा किया क्योंकि मैं पूरा भी करूंगा। जे उदे बेटे दे हथों अजीब काम ते निशानदार होंदे सी ते वो अज ध्याड़ी सामने करदा। मैं इरादा किया मैं ही उस गल वकूफ़ दे विच भी लियावांगा। हां जी। ऐ सख्त दिलो सदाकत से दूर हो मेरी सुनो। ऐ सख्त दिलो जेड़े सदाकत तो दूर है रब के ना मेरी सुनो। ते आओ सुन लिए, आओ सुन लिए प्रभु। वो कहना मेरे हाथ विच तुसी तेरी अलाव जलाल ताज हो। केड़ा ताज है कि नहीं? तेरी लात मेरे हाथ में शाहाना अफसर होगी। मेरा बेटा दुनिया के नजात बन के आया। मैं तेनू नूर बनावांगा, तेरे वसीले नजात का काम दुनिया तक करूंगा। सो अपने सराम झुकाओगे, अपने हाथ खड़े करेंगे कि खुदा मैं अपने आप में पेश करना। मैनू बरकत मिली, मैं अपने आप को तेरी देना, मैं अपनी औलाद को तेरी देना। मैं चाहना कि मैं तेरे हाथ में जलाली ताज हूं, मेरे बच्चे तेरे हाथ में जलाली ताज हूं। तू ते कपड़े का बड़ा अच रखा है, ओ एक खुशबू की तरह है। ते मेरे बच्चे तेरे हाथ में जलाली ताज होंगे। नजात का काम होगा। एक बार सी पारी सरफराज साहब ने मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। जैसे खुदा ने अपने पाकों के वसीला से मेरी और आपकी रहनुमाई की, ये मौका है कि अपने दिलों को खुदा की हजूरी में उंडेलें ताकि वो आज हमें अपनी कुदरत में कबूल करे। और जो जो हम यहाँ पर खुदाम से इस रूह के वसीला जिसने हमें उभारा है, जिसने हमें कायल किया है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को खुदाम को दे सकें और वो इनाम जो खुदाम ने मेरे और आपके लिए रखा है उसको रिसीव कर सकें, तो इसके लिए इकरार दिल से किया जाता है। अपनी जुबान से उसका इकरार करना, अपने दिल से उसे कबूल करना और फिर अमली जामा पहनाने के लिए अपने आप को खुदाम के हजूर में लेकर आना और देना। खुदाम तू मुझे कबूल फरमा। आज का ये कलाम मेरे और आपके लिए 100 गुना फल लाए। हालेलुया। इस कलाम के सबब से आपकी जो खुदावंद में प्रेजेंस है, जो आप अपने आप को खुदावंद में दे रहे हैं, उसके सबब से जब हम इस इबादतगाह से बाहर निकले तो हमारी जिंदगियां यकसर तब्दील हो। हमारी जिंदगियों से खुदा के बेटे यीशु का जलाल जाहिर हो। और जैसे हम जलाल में बुलाए गए, नूर में बुलाए गए, नूर के फर्जंद होने के लिए बुलाए गए, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। क्रिसमस का ये दिन, खुदावन की पैदाइश का, खुदावन का आसमान को छोड़कर जमीन पे आने का ये दिन इसलिए है ताकि वो जख्मी और ऐसे रद्द किए को खुदावन की तरफ ला सके। हमारे दरमियान आज हम जैसे भी एक दूसरे को मिलते हैं, मेरे बहन और भाइयों, शिकवे गिले हर एक चीज को दूर करके हम खुदावन में एक नई जिंदगी का आगाज करें क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं। इसलिए आए नूर का फर्जंद होने का सबूत इस बात से दें कि खुदावंद मेरी जिंदगी तेरी, मैं अपनी अना, अपनी चीजें, अपनी हर एक चीज को पीछे करता हूं और खुदा के जिंदा कलाम को मौका देता हूं कि वो मुझ में से होकर काम करे। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे और अब खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। यस, कौन है जो आज अपनी जिंदगी को खुदा अपने बच्चों को देना चाहता है? ये मौका बहुत एहसास मौका है, बहुत ही खास है, इसको जाया नहीं करना। मेरे सिर्फ बहन और भाइयों, ये मौका है अपनी जिंदगी, अपना दिल खुदा के सामने उड़ेलने का। और अगर आपने ऐसा किया, अपनी जिंदगी का एक नया आगाज किया, तो मेरी दुआ है खुदा मुझे और आपको यहाँ से तृष्णा या खाली हाथ नहीं लेके जाने देगा, बल्कि हमें यहाँ से बरकत पर बरकत देकर भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी आवाज के लिए, तेरे कलाम के लिए, जो रूहुल कुद्स के वसीला हमारी रूहों को ऐ खुदा तू जोड़ता है, हमारी रूहों को बेदार करता है। अपने कलाम के सबब से अपने कलाम के हथौड़े को चलाता है। हालेलुया, हमारी जमीन को जरखेज करता है। हालेलुया, ताकि हमारे खुदा तेरे लायक बेटे और बेटियां बन जाए। हमारी जिंदगी में जो कमियां, कमजोरियां, घाटे हैं बाप, वो तेरे बेटे यीशु मसीह की कुदरत के सबब से दूर हो जाए। खुदा मैं अपने आप में झांकूं, हर जिंदगी अपने आप में झांके, क्या मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? क्या मेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं टूट रहा? क्या मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो रही? अगर ऐसा है तो मुझे तौबा करने की जरूरत है, मुझे खुदावंद में अपने आप को रिवाइव करने की जरूरत है, मुझे खुदावंद अपने आप को बहाल करने की जरूरत है, ताकि हम इस क्रिसमस के इस सही एसेंस को, इस क्रिसमस के सही मसा को अपनी जिंदगी में ले सकें। ओ हालेलुया। खुदा बाप, बच्चों के टैबलों के वसीला से जो कुछ हमने आज सीखा, इस कलाम के सबब से जो कुछ आज हमने सीखा है, उसको अपनी जिंदगी में हमें अप्लाई करने का बड़ा फजल और तौफीक अता फरमा। मेरी दुआ है हमें छोटा बनना सीखा, मेरी दुआ है हमें हम्बल होना सीखा, हमें आजिज होना सीखा, ताकि हम बहुतों के लिए बरकत का, सेहत का, तंदुरुस्ती का और सलामती का, निजात का जरिया और बायस बन सके। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के जिंदा कलाम के सबब से जो कुछ आपने हमारी जिंदगियों में किया है, मैं आपका शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ इस क्रिसमस की खुशियां हम सब के लिए बरकत का बायस हो। यीशु के नाम से आमीन, 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 आमीन। सब तशरीफ रखें। मेरा ईमान है कि आप सब ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां। अब हम एक और इबादत का बहुत खास सौदा, जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ वर्शिप, और हदिया देना जो है वो भी एक तरह की इबादत ही है। खुदावन हमेशा खुशी से देने वाले को कबूल करता है। मेरा ईमान है कि जब हम अपना हाथ खोलते हैं तो खुदावन अपनी बरकतों से हमें माला माल करता है। आज मौका है कि हम अपने हदिये नजरा दें, खुदावन के हुजूर पेश करें। और मैं चाहता हूँ बहन सोनम से कि वो अब एक गीत सुनाएंगे और उस गीत के दौरान हमारी हदिया और नजराने उठाए जाएंगे। अरसलान और बहन सना से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हदिया और नजराने उठाए। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करें। ये ज़बूर सबको आता है, 72 ज़बूर, रहेगा नाम सदा तेरा मसीहा, रहेगा नाम सदा तेरा मसीहा, रहेगा नाम सदा तेरा मसीहा, सूरज रहेगा, रहेगा। एक बहुत ही खास बात हुई है कि यूनुस भाई की जो फैमिली, उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी और साथ में खुदावंद ने उनको सरफराज किया है, उनका केस जो है वो पॉजिटिव आया है, तो आज वो इस सिलसिले में शुक्रगुजारी भी करवाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ पास्टर प्रियम बेगानी साहब से वो स्टेज पे आए, पास्टर इमरान आप भी आ जाएं और पास्टर सरफराज साहब आप भी आ जाएं इन तमाम हदे नजरानों के लिए। और जिस बहन का केस पास हुआ है और खुदावंद उनको सरफराज किया है, सब मिलकर उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद आइंदा भी उन्हें उनकी ज़िंदगी में कामयाबी अता करें, ताकि वो इस मुल्क में इंटीग्रेट हो और इस मुल्क की तरक्की का बाइस बने। तो भाई यूनुस मिठे चावल भी बना के लिए आया है, तो चाहता है कि वो भी जरूर खाने सारे ने। खुदा बरकत है भाई यूनुस को, भाई यूनुस की फैमिली को, जिहड़े रहंदे अस दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें मिले। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ आईडीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ खुदा उन्हें तो जल्द कटे, क्योंकि मैं उस आईडीसी को चंगी तरह जानना है कि जैसे हनी सनी मेरा पोता आईडीसी ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਫਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ। काफ़ी सारिया तो पहले नौजवान से मसीही हम तो बहुत सारी दुनिया है, बल्कि बेटियां भी उथे फिर कहना अपनी अम्मी सुनेहा देना बच्चों के बाहर ना निकलो, बड़ी मुश्किल जिंदगी है, इतने नहाना रहना बहुत औखा है। उन्होंने वास्ते दुआ करांगे कि खुदा उन्होंने भी उतो कटे जिहड़े जेलों च ने, वो भी जिन्हों जिन्हों मुल्क खुदा लैके जाना चाहता है वो खुदा की जलाली उन्होंने बदल इस्तेमाल सो दुआ करेंगे सारे। हालेलुया, खुदा तो भला खुदा है, तू रहम ते तरस दा भरिया खुदा है, कि तू जिहड़ा बोलना है ये गल्लां करना। साढ़े दिल शुक्रगुजारी ना भरे हुए ने इस मेल मिलाप में, इस इकट्ठा होने इन्होंने बच्चों के चेहरिया देखा है। साढ़े चेहरे जिहड़े खादम लोग होर खुशी के नाल तबाला होवे। खुदा शुक्रगुजार है भाई उसकी फैमिली ने जिन्होंने कामयाब ते जिहड़े होर भी उठे तेरे नाम तो यूएन का दिल उन्होंने नाल इमिग्रेशन के खतरे टल जिन्हें लोग सालन सीखने जेल आईडीसी यसुना तो उन्होंने बदल तेरे जलाली जो इन्होंने मुल्क चो तेरे जलाली इस्तेमाल तेरा करम तेरा फजल तेरी रहमत तेरी बरकत तेरी शफकत खुदावंद इन सारे बच्चों देते हुए इन्हों का दिता हदिया जिस तरह बीवा माई ने हाफिज़ हदिया कबूल किया है, कबूल कर ये हदिया तेरी जलाल खुदावंद सारे खादम इन बच्चों की बरकत चाहते इस मुल्क के विच ये बच्चे वदन फुलन तेरे नाम इज्जत जलाल देन। इन्होंने बच्चों के वसीले नजात का काम इस मुल्क मंगने इस अजीम ते जलाल इन्हों का वास्ता दे। आमीन। इससे पहले कि पास्टर मनोवर के लिए दुआ करें, हम सब जानते हैं कि पास्टर मनोवर भी ये थाईलैंड से आए और बहुत हिम्मत वहाँ पर करते रहे हैं। ये जो लोग वहाँ पर हमारे रेफ्यूजी बहन भाई हैं जो आईडीसी में, उनके लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है। और इतनी सी दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि अगर खुदावन ने हमें इस मुल्क में पहुँचा दिया है तो हम अपने उन बहन भाइयों का नाम भूल जाएंगे जो वहां पर थाईलैंड में मौजूद हैं। अगर आप किसी को जानते हैं वहां पर जो कि मुश्किल में है या आईडीसी में है या उसकी जरूरत है, तो मैं दरखास्त करूंगा कि प्लीज आप उनकी मदद करने से अपना हाथ पीछे न कीजिएगा। ख़ुसूसी तौर पर क्रिसमस के मौका पर उनको अपनी दुआ में भी याद रखें, ना सिर्फ दुआ के लिए बल्कि उनकी जिस तरह से भी मदद हो सके उनकी मदद भी जरूर कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करेंगे। हाँ, और मैं दरखास्त करूँगा हम सब खड़े हो जाए। प्लीज हम सब खड़े हों और अपने हाथ जो है वो हम पास्टर साहब की तरफ बढ़ाएं, खुदा के खादम की तरफ बढ़ाएं और दुआ करें कि खुदावंद एक दफा फिर से इनको उसी तरह जैसे कि पहले अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था, बिल्कुल उसी तरह साज और आवाज के साथ खुदावंद इनको इस्तेमाल करें। दुआ करें कि बहुत जल्द हम फिर से वही इनके मुंह से खुदा की हम्द के गीत सुने, ये बिल्कुल उसी तरह हारमोनियम के साथ खुदावंद की हम्द करें और खुदावंद के जिंदा कलाम को भी हम सबके साथ बांटें। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद अपने लोगों की दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। खुदावंद हम जब भी अपने दिल से अपनी रूह से दुआ करते हैं तो खुदावंद उनका जवाब देता है। और हमारा खुदा आज भी मौजज़ात का खुदा है, वो कल भी मौजज़े करता था, वो आज भी करता है, वो करता रहेगा। और खुदा के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, उसके हाथ छोटे नहीं कि वो कुछ कर न सके। और खुदा यीशु मसीह जी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके तो कहने से हो जाता है। आपने तो आंधी और तूफान को हुक्म दिया कि रुक जा, तो वो रुक गए। आपके कहने से मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। अपना कलाम आज नाज़िल फरमा दीजिए। हालेलुया। सब दुआ करें, हर एक जुबान दुआ करे, खुदा के खादम के लिए दुआ करे। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप मौजज़ात के खुदा हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप बरकतें देने वाले खुदा हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तारीकी को नूर बनाने वाले खुदा हैं। आप मौत को जिंदगी में बदलने वाले खुदा हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आपका अब्र यहाँ पर छाया हुआ है और हम सब मिलकर इस वक्त अपने भाई को, खुदा के खादम को, पास्टर मुनव्वर को आपके कदूर साथों में देते हैं। इस वक्त हम आपके तख्त के सामने उनको रखते हैं। हम खुदा यीशु मसीह के पाक और कीमती लहू में इनको छुपाते हैं, क्योंकि खुदा यीशु के लहू में फतह है, यीशु के लहू में शिफा है। हालेलुया। हम उसी लहू को अपने इस भाई पर मांग लेते हैं, उसी लहू को मांगते हैं। और खुदा बाप जी हम अपने सर झुकाकर निहायत आजिज़ी के साथ आपके सामने झुकते हुए अपने भाई के लिए दुआ मांगते हैं। खुदा जी आपके खादम के लिए दुआ मांगते हैं कि खुदा बाप जी खुदा यीशु मसीह के नाम में इनको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए। यीशु के नाम में हर तरह की कमजोरी जाती रहे। यीशु के नाम इनकी जुबान बिल्कुल उसी तरह से हम तो प्रस्तुत करें जैसे पहले करते थे। यीशु के नाम में इनकी मुकम्मल बहाली मांगते हैं। यीशु के नाम में इनकी तंदुरुस्ती मांगते हैं। यीशु के नाम में इनकी शिफा मांगते हैं। खुदा बाप जी और बाप खुदावन जी हमारा ईमान है कि आप दुआओं का जवाब देने वाले खुदा हैं। हमारा ईमान है कि आपने अपने लोगों की इस फरियाद को सुन लिया है। हमारा ईमान है कि आपने अपने बंदा को तंदुरुस्ती दे दी है। हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप शुक्रगुजारी को पसंद करने वाले खुदा हैं। हालेलुया। ओ खुदावन खुदा जी आप कितने ही अच्छे खुदा हैं। हम जितना भी आपका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इस बड़े मौजज़ा के लिए कि आज पास्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इस मौजज़ा के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। और जो बाकी भी उनकी कमजोरी है, हमारा ईमान है कि आपने उसको यीशु मसीह के नाम में दूर कर दिया है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह आपने खुद फरमाया कि तुम मेरे नाम से मेरे बाप से जो कुछ भी मांगोगे तो तुमको मिल जाएगा। और आज हमने ईमान से अपने भाई की सेहत याबी रिसीव कर ली है। यीशु के नाम जीवन में हमने इनकी तंदुरुस्ती रिसीव कर ली है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांग और उसी के जलाली नाम में सब कुछ ईमान से पा लिया है। आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे और कल में बरकत पास्टर बीएम तेगानी के साथ में। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर हमारा रोज करो और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को हमारे कर्जों नई ख्वाहिश बल्कि बराए बादशाह कुदरत जवाब हमेशा देना हम साढ़े खुदा यीशु मसीह दा फजल खुदा बाप की मुहब्बत ते पाक रूह की शराफत ते रफाकत साढ़े सारियां कुल मकदसा कौम बनी इसराइल दे नाल होवे। आमीन आमीन आमीन। सोबे बच्चों सारे बड़ा दे ते नवा साल मुबारक होवे। हमारी तरफ से इस चैनल वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा दिन, क्रिसमस, सब बच्चों को, सब इस ग्रुप को। और हमारा नाम है साधु नज़र मसीह, जिसको 36 साल गुजर गए हैं। बेलाउंस लोगों की खिदमत करता रहा हूँ, दुखी इंसान की खिदमत करता रहा हूँ। आज भी हमें खुदावंद ने जिंदा रखा, जिंदों की ज़मीन पर इन लोगों के लिए रखा है। तो आज हम इस चैनल के लिए भी हम बहुत प्रभूत जदोजहद रखेंगे कि हमारी बेटी और बेटे ने, और खुदावंद का शुक्र है कि बहुत मेहनत से, बहुत खुदा की मदद से ये चैनल को खोला और उसके लिए हम प्रभु दुआ गो होंगे। बाकी आपकी टीम को, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। आमीन। मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को सलाम। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। शुक्रगुजार हूँ BTL का कि